डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट आई एम राहुल राजपूत योर मैथ टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्टिंग मिलीलीटर टू लीटर। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लीटर से एमएम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका है और आई होप उसे आपने अच्छी तरीके से समझ भी लिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी भी यूनिट को हम कैसे दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। उसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वर्टिंग मिलीलीटर टू लीटर। एमएल मिलीलीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो वेरी वेल, आप जानते भी हैं कि एमएल मींस होता है मिलीलीटर एंड एल यू नो वेरी वेल इज कैपिटल एल जो होता है वो लीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लीटर को एमएम में कन्वर्ट करना सीखा था थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके। आज की इस वीडियो में हम जस्ट अपोजिट वर्क करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें थाउजेंड का डिवाइड करना है। अभी तक हमने थाउजेंड का मल्टीप्लाई देखा है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब हम यहाँ पे थाउजेंड का डिवाइड करेंगे और मिलीलीटर को बहुत ही अच्छे तरीके से लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम एमएल को लीटर में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले लेके चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है हमारा 8000 ml। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल ये आपको फाइंड करना है 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। सो देयरफॉर अब हमारा ये क्वेश्चन है 8000 ml, 8000 ml को कैसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8000 ml मींस 8000 ml को हमें ये बताना है कि कितने लीटर होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। देयरफॉर 8000 ml इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 1000। क्या करेंगे, इसी 1000 से हम उसमें डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा लीटर होगा। कैसे, अब देखिए 108 हमारा क्या हो गया 8 लीटर आंसर हो गया। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में हम इसका आंसर जान सकते हैं। किया क्या जा रहा है, बस हमें यह मालूम होना चाहिए कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर हमें ये चीज मालूम है, अगर हम ये चीजें अच्छी तरीके से हमारे माइंड में सेटअप है कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं, चाहे कितना भी बिगेस्ट नंबर दिया हो। चलिए देखते हैं एक बार, 8000 ml, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। Therefore, 8000 ml is equal to 8000 divided by 1000 is equal to 8000. Similarly, one question, one more लेते हैं और उसके according देखते हैं कि हमें कितना easy तरीके से इस type के question को हम solve कर सकते हैं। तो चलिए question number next देखते हैं, हमारा होगा 5000 ml। 5000 ml को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, क्या किया है, 8000 ml को हमने लीटर में कन्वर्ट किया है। तो आपको मालूम है कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो हम आसानी से और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 5000 ml।
सबसे पहले हमें 1000 ml का मालूम होना चाहिए। 1000 ml में हमारा 1 लीटर होता है, तो हम 5000 ml का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, यू नो वेरी वेल 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, देयरफॉर 5000 ml इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1000 is equal to 1500, your answer is given here 5000 liter. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, 1000 का डिवाइड कर रहे हैं। लीटर को हमने ml में कन्वर्ट किया था, तो हमने 1000 का क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है? प्रीवियस वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, लीटर से हमने ml में कन्वर्ट करना सीखा था, जिसमें हम 1000 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी तरीके का हमारा क्वेश्चन है, बट इसमें हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, जो हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगा होगा और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको जब कभी भी मिलेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा डिफरेंट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और मोस्टली उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए उसको देखते हैं, हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान था। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 5820 ml, ये हमारा क्वेश्चन है 5820 ml, इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट, दिस टाइप क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व द टू टाइप मेथड। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते, दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हम दोनों तरीके पे डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ डियर स्टूडेंट, 5820 ml वी हैव टू कन्वर्ट ml टू लीटर। हमें क्या करना है, ml से लीटर में कन्वर्ट करना है। एंड यू नो वेरी वेल 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। यस योर वन, किसी भी क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, आप सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जरूर दिखाना है। ये जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को समझा नहीं सकते और खुद अपने आप साफ नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 1000 ml इज इक्वल टू 1000 होता है। सो आई राइट डाउन इन दिस प्लेस 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, देयरफॉर 5820 ml is equal to, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जो मार्केबल पॉइंट है, जो ध्यान देने योग्य है वो यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे सेपरेट करेंगे इस ml नंबर को, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लिख सकते हैं 5000 ml एंड प्लस 820 ml माइनस, ये मेरा फर्स्ट टाइप का मेथड, फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या है, 5820 ml इज इक्वल टू 5000 ml प्लस 820 ml। ओके, सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हमारा 5000 ml हो गया है, हमें ये नंबर अब क्या करना है, लीटर में बदलना। ये नंबर को हम लीटर में नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब तक हमारा नंबर 1000 प्लस नहीं होता तब तक हम उसको ml में ही रहने देंगे। जैसे ही हमारा 1000 मोर होगा, हम उसको आसानी से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, यू नो। सो हियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5000 ml इनटू 1000। हम क्या करेंगे, इसको 5000 ml को
हम डिवाइड कर देंगे 1000 से एन प्लस 820 ml. इज इट क्लियर? क्या कह रहे हैं? 5000 ml को हम डिवाइड करते रहे 1000 से और सेम 820 को ब्रिंग डाउन कर दे रहे हैं इन दिस रो. इस लाइन में हम उसको सीधे ड्रॉ कर दिए. हम इसको कोई इसको डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं. हम इसको छेड़ना, हमें इसे छेड़ना नहीं है, सीधे इसको उतारते जाना है तब तक जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए तब तक. जैसे अभी हमारा यह हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किए, सेकंड को किए, उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे. जैसे 5000 ml डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1000 बन जाए 1000 1000 5 जा 5000 सो 5 लीटर एंड प्लस 820 ml 500 लीटर प्लस 820 ml एंड देन आफ्टर राइट डाउन 8 लीटर 820 ml. ओके डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं. आप देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी था, उसी तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन भी है इन दिस वीडियो. इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है. चलिए बराबर अब रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन. थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए बराबर रिपीट कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसको अंडरलाइन पॉइंट करते हैं. इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 5820 ml. वी हैव टू कन्वर्ट 5820 ml into the liter. ओके हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइडेड बाय टू पार्ट इन दिस ml. ये जो 5820 ml है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे राइट करेंगे 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. आई एम राइट? सो डियर स्टूडेंट वंस अगेन 5820 ml वी हैव टू डिवाइडेड बाय टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज 5000 ml एंड सेकंड पार्ट इज 820 ml. Once again, अभी हमारा क्वेश्चन बन गया प्रीवियस क्वेश्चन 5000 ml डिवाइडेड बाय 1000 because ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे 1000 का डिवाइड किया. आप पूछ सकते हैं कि सर ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पे 5000 ml है और ये 820 ml, ये दोनों नंबर एक ही है, आपने इसको खोल रखा है, that's it. लेकिन ये 1000 कहाँ से आया इस रो में? तो डियर स्टूडेंट ये 1000 हमारा ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 1000 को रखा हुआ है. बिकॉज लुक एट द बोर्ड 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. इज इट क्लियर? ओके नाउ द नेक्स्ट वर्क इज द नेक्स्ट स्टेप इज 1000 डिवाइडेड बाय 5000 5000 क्या हो जाएगा 5 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन 820 ml ब्रिंग डाउन वन स्टेप एंड लास्ट इज 5 लीटर एंड 820 ml. सो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया. आई होप 1 से लेकर 3 तक आप इस तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. आपने बहुत अच्छे तरीके से मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना आज सीख लिया. डियर स्टूडेंट इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं उसे आप खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझ लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट यूनिट पर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड goodbye.